सबसे ज्यादा बेईमान प्लेयर है ये कैप्टन था, खा गया कैप्टन है, लेकिन एक नंबर का चिंदी चोर, जब कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर हमें भी लगता है जो हमारी टीम का प्लेयर था ना, कहीं ना कहीं खेल को खेल की दृष्टि से नहीं देखा, इस वजह से हार गए ना, लड़ने पे चले आए सब लोग। ये तो बोले तुझे मैं बल्ला से मार दूंगा, हट जा। अरे हम ले भैया, हम जा रहे भाई, हम खेलने आए, लड़ने नहीं आए। ग्राउंड के बीच में एक नाला भी था, ग्राउंड के बीच में एक नाला था, उसमें इन लोग को डूबना चाहिए था, लेकिन ये लोग डूबे नहीं। बेसरम इंसान। राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी हम लोग सुबह सुबह ड्यूटी करके जा रहे हैं, पैदल ही, क्योंकि हमारी गाड़ी आने में लेट है। हम लोग सोचे चलो पैदल ही चले जाते हैं, क्योंकि काम था नहीं और सब लोग आएंगे थोड़ा लेट, क्या किया जाए वहाँ बैठे खाली, क्या किया जाए, तो सोचे चलो चलते हैं। और हम लोग सब पैदल ही जा रहे हैं, जिसमें मेरा आकाश है और अश्विनी हैं, दीपक हैं और मैं हूँ। अरे यहाँ से जाएंगे भी, नहा धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, चंदन टीका करेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे, और क्रिकेट खेल कर गएंगे, फिर खाना खाएंगे, तब सोएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सोने के बाद उठने का खाने का मन नहीं करता, इसलिए प्लान हम लोग ये किए हैं। तो फिलहाल रूम पे पहुंचते हैं, उसके बाद अपना क्रिया विधि करेंगे। और देखिए, हाँ आकाश रेडी। हाय गाइस, हम आकाश गुप्ता, आज हम लेवर गिरी में वापस आते हुए, देखो मॉर्निंग में कितने अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं, हमारे इंचार्ज साहब मिस्टर दीपक। अच्छा इधर देखिए मिस्टर दीपक, अश्वनी हमारे अश्वनी का कर्तव्य, हाँ दिखा। और चलिए दोस्तों पहुँचते हैं रूम पे, फिर सारा कार्य करके निकलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि हम लोग प्लानिंग पूरा कर चुके हैं, क्योंकि पूरी बॉडी दर्द कर रही है, उसका कसरत करके सही होगा। देखिए दीपक यहीं से भी प्रैक्टिस करना शुरू किए, बोल रहे हैं तीनों विकेट कबाड़ेंगे, एक छोड़ तीनों कबाड़ के फेंक देंगे उधर, इनको पता नहीं है हमारे विकेट में दीवार है भैया, वो बोला नहीं आती भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों पहुंचे, फिर फाइनली दोस्तों हम लोग चलते मार्केट में चले आए, तो मुझे लेना था चप्पल, तो मैंने चप्पल ले लिया और ये ले लिया साबुन और सरफ, क्योंकि कपड़ा भी धुलना है ना, इसीलिए ये चप्पल है आकाश के हाथों में। मैं चप्पल बिना बहुत तड़प रहा था कल रात में, जिसको चाहिए आ जाएगा, इधर उधर 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 उधर, तो चप्पल ले, जिसको चाहिए चप्पल मैं मार के दूंगा। तो ये मार अश्वनी भाग गया, बेईमान है, गद्दार, बेईमान, गद्दार, गैंगद्रोही, सही बोल रहे हैं, अभी चलिए उसको, अगर आगे चले गए तो यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है ना सगर का, सर हाँ तो शॉर्टकट में घुसेंगे। मैं आया हूँ यार एक बार गाइस, इधर में अभी दूसरी बार जा रहा हूँ, दो तीन बार जाऊँगा तो मुझे भी रास्ता याद हो जाएगा कैसे कैसे जाना है जो। और चलिए पहुँचते हैं फाइनली दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक नहा धोवा कर पूजा पाठ करके नाश्ता करके और चल दिया हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, और सारे लोग तो चले गए हैं क्योंकि वो लोग को जल्दी था, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि सारा प्रक्रिया करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और थोड़ा लेट हो गए, लेकिन सारे लोग चले गए हैं तो ही हम पहुँचते हैं। अभी 10-15-20 मिनट पहले वो लोग गए हैं, चलते हैं देखते हैं खिलाता है कि नहीं खिलाता है, और खिलाएगा तो ठीक है, नहीं भी खिलाएगा तो बैठूँगा देखूँगा और क्या करूँगा। और नाश्ता तो जल्दी, वैसे तो मैं जल्दी किया हूँ, ज़्यादा टाइम तो मुझे लगा नहीं है उन लोग को जाने करने में, क्योंकि वो लोग वो बॉल भी लाने गए थे तो टाइम लगा होगा, तो पहले पहुंचते हैं देखते हैं उधर क्या चल रहा है उन लोगों का, और चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी स्टार्ट भी हुआ होगा तो एक आधा ओवर फेंकाया होगा तभी तो खिला लेगा, तो चलिए पहुँचते हैं दोस्तों। ओके, और फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ क्रिकेट ग्राउंड में और सारे खिलाड़ी खेलने में लगे हुए हैं। देखिए मिस्टर दीपक बैटिंग कर रहे हैं और मिस्टर आकाश चोपड़ा बॉलिंग, और ये फुल टॉस और ये कैच आउट, बस शुक्ला यार छीट हट, यार कैच छोड़ दिया यार हट, और मेरी इधर फील्डिंग लगाई गई तो मैं इधर ही रहूंगा।
और ये मेन लीडर जो है अश्वनी पाठक है, इसलिए ये अंपायरिंग वो कीपिंग करवा रहा। चलिए दोस्तों, खेलने के बाद आप लोगों से मिलते हैं हम, ओके। और हमारे झाजी सर भी आ जाए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, देखिए, और शॉट पे फील्डिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे बाइट, यहाँ पे बॉल से ज्यादा बाइट ही फेंका जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे महान महान सारे बॉलर हैं। और ये देखो, ये एक्सक्यूज दे रहा है कि पिच पे मुड़ जा रहा और ये आउट। अरे यार, उस पार जाता तभी तो। और ये बाउंड्री पार जाना आउट है, ये बहुत रूल सख्त है और सामने स्टेट में जितना लंबा मार सकते हैं। चलिए फिर हम फील्डिंग कर लेते हैं, बहुत वीडियो बना लिए, नहीं तो ये लोग बैटिंग भी नहीं देगा हमको। फाइनली दोस्तों, हम लोग मैच जीत चुके हैं, हम मतलब हमारी टीम, ये लोग तो हारे हैं अभी, ये सब हारे हुए टीम के प्लेयर हैं। ये तो आज तुम झगड़ा करने पे आ गए, तुम भिड़ गए हमसे। और हम तीन मैच खेले और तीनों जीते और बुरी तरह इन लोगों को हराए। और ये लोग अभी हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाए हैं। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। हमारे झाजी सर छोटे अच्छे परफॉर्म किए। ये सबसे ज़्यादा बेईमान प्लेयर है ये सर, कैप्टन था, खा गया। कैप्टन है लेकिन एक नंबर का चिंदी चोर, एकदम कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग जीते, ये लोग 7 रनों से लास्ट मैच इन लोगों को शिकस्त दिए हम। 7 रन ये लोग 3 ओवर नहीं बना पाया, तू बाकी 3 मैच खेले थे वो तो जीते ही हैं। अभी तक रिकॉर्ड है इसके खिलाफ कि 7 मैच में एक भी मैच इससे नहीं हारा हूँ। भैया पहले हम बहुत रहे इस होटल में, इसीलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग, खाएंगे पियेंगे और आराम करेंगे, नाइट में ड्यूटी करेंगे और फिर कल खेलेंगे। 6 महीने छोटे। और हमारे प्लेयर सब आगे जा जा करके बैठे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी करके थोड़ा सा गस्ती में है। और ये अश्मनी जो है, ये तो सबसे बड़ा बेईमान, बाप रे बाप, मान गए तुझे। और दूसरा ये मिस्टर दीपक, हमारे झाजी सर बढ़िया प्लेयर है, अच्छा खेले, बहुत मेहनत किए, लेकिन इनकी टीम हार गई, इनका मेहनत बेकार चला गया। और हमारे तरफ जो शुक्ला है, ये शुक्ला अश्मनी को मार के हलवा बना दिया है, दो छक्के और एक चौके। और ये तो थू है साला, एक रन नहीं बनाए, खाली बेईमानी करेगा। हमें भी लगता है जो हमारी टीम का प्लेयर था ना, कहीं ना कहीं खेल को खेल की दृष्टि से नहीं देखा, इस वजह से हार गए ना, लड़ने पे चले आए सब लोग। ये तो बोले तुझे मैं बल्ला से मार दूंगा, हट जा। अरे हम बोले भैया हम जा रहे हैं भाई, हम खेलने आए, लड़ने नहीं आए। ग्राउंड के बीच में एक नाला भी था, ग्राउंड के बीच में एक नाला था, उसमें इन लोग को डूबना चाहिए था, लेकिन ये लोग डूबे नहीं। बेसरम इंसान अब दूसरा ग्राउंड में घुसेगा। अच्छा, सस्ता वाला। ये लोग बानखेड़े में हारने के बाद अब बोल रहे हैं कि धर्मशाला में घुसेंगे, और हम लोग धर्मशाला वाले ग्राउंड में घुस गए हैं। आप लोग बड़ा ग्राउंड में खेल लीजिए चाहे छोटा ग्राउंड में खेल लीजिए, जिधर अश्वनी रहेगा उधर मैच हारेगा ही हारेगा। नहीं तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि कल जितने बढ़िया प्लेयर रहेगा सबको तू रख लेना, फिर भी तू हार जाएगा, मैं लिख देता हूँ, खाली तेरे विपक्ष में मैं रहूंगा। बता, गारंटी दे रहा हूँ तू मेरे से एक एक ओवर बदले। हाँ, तू भी छक्का छक्का मारी, मैं भी छक्का। चल बड़ा वाला ग्राउंड में, चल बड़ा वाला ग्राउंड में। बता, चल 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 बड़ा वाला ग्राउंड में दोस्तों, आज इससे मैच होगा छक्का चौका मारने का। ये छोटा ग्राउंड है तो स्टेट में मारना रहता है, थोड़ा टफ हो जाता है मारना, लेकिन बड़ा वाला में चारों तरफ मार सकते हैं। तो चल देखते हैं इसको, चल तो आज शाम में पक्का ना, उस चलेगा ना, मैं आऊँगा बुलाने 4 बजे, ठीक है। चल आज तेरा वह भी मनसा पूरा कर दूँ। साचे ये वाला 10 रुपया तो दे, अभी जो हारा है, अभी जो सुपर ओवर हारा है, हमें तो 10 रुपया दे, हमारे से 10 रुपया मैच था ना। ये साले झूठ मत बोल, ये पेड़ के नीचे, ये पेड़ का टहनी टूट जाएगा, मर जाएगा तू गिर के, धरती फट जाएगी, जमीन के अंदर घुस जाएगा तू। कुत्ता दूध देता है ये साला, कुत्ता है, सोच रहा है अपने तरह की सब दूध देगा, तू अपने आप में देख, तू कुछ और है। वो तो तुमसे पूछा। तो चलिए दोस्तों, अब पहुंचते हैं रूम पे और आराम करते हैं और मिलते हैं शाम में, इसका खिलाफ हम बैटिंग करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। फाइनली दोस्तों, हमारा लंच हो चुका है और हम लोग धपाधप लंच करने आए हैं। और देखिए इधर अश्वनी लगा पड़ा है और इधर झाजी सर लगे पड़े हैं। और हमारे खाने में है सब्जी, रोटी, चावल, मूली, दाल, अचार और साथ में नमक। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं और उसके बाद खाने के बाद आराम करेंगे और फिर शाम को ब्लॉग का एडिटिंग करेंगे और डालेंगे।
और फिर ड्यूटी जाएंगे और फिर कल होकर के सुबह ड्यूटी से आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर वही कार्य करते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी अपना कपड़ा धुलने के लिए, फिर सो करके जा रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेल करके आए थे तो खाना खाए थे और खाना खा कर सो गए, और सो करके अभी जा रहा हूँ तो 6:30 बज रहे हैं। सोच रहा हूँ कि कपड़ा धुल लूँ क्योंकि मुझे रात को 12 बजे से ड्यूटी जाना है। छत पे वॉशिंग मशीन है तो वहीं पर डाल के फिर कपड़ा धुल लेता हूँ। इसके लिए सारा सेटअप लेकर के मैं आ गया हूँ इधर। इधर में कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ मैं हूँ। ये वॉशिंग मशीन है, इसका लाइट जला लूँ, लाइट जल गई है। और इसमें पानी डालना पड़ेगा क्योंकि अरे पानी डालने की सुविधा नहीं है, तो बाल्टी से पानी डालना पड़ेगा इसमें। तो देखते हैं नल कहाँ है दोस्तों। हाँ, नल यहाँ है, ये नल है। और इसमें पहले पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद सर्फ डाल देते हैं, उसको थोड़ा सा मिला लेंगे, उसके बाद ही इसमें कपड़े डालेंगे। कपड़े डाल के धुल करके नीचे ले जाकर ही डालेंगे क्योंकि छत पे डालना सही नहीं है, कहीं बारिश बारिश आ गया तो फिर कौन उठाएगा रात को। तो बाल्टी में फिर भर करके वापस ले जाके और वहीं डाल देंगे। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और हमारे सारे बंदे भी नाइट वाले सो ही रहे होंगे। मैं 5 बजे जागा, अपना मिनी ब्लॉग का वॉइस ओवरिंग किया, और वॉइस ओवरिंग करने के बाद अभी मैं फ्री हुआ हूँ। चलो कपड़ा धुल लेते हैं। और ये बेडशीट था पहले का यहीं पर का, तो बेडशीट भी गंदा दिख रहा था, तो मैं सोचा किसको बोलूं चेंज करने के लिए, उससे अच्छा है कि अपना धुल लो। वॉशिंग मशीन है ही, कौन सा हाथ से धुलना, हाथ से धुलने में कष्ट होता है, लेकिन वॉशिंग मशीन में धुलने से कष्ट थोड़ी ना होता है। तो अभी फ़िलहाल कपड़े उपड़े धुल लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएँगे, कुछ देर आराम करेंगे और फिर 12 बजे निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए। तो चलिए अभी नहीं, हाँ अभी चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि कपड़ा धुल धुल करके डाल करके खाना वाना खाऊंगा तो फिर वीडियो बनाने का मौका कहाँ मिलेगा। तो खाना वाना खाने के बाद फिर सोऊंगा, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा सो लूँगा और 12 बजे फिर निकल जाऊँगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को राधे राधे, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।